जय हिंद दोस्तों। गंगा नदी में आई बाढ़ की वजह से स्थिति बहुत ज़्यादा गंभीर हो गई है। गंगा नदी के किनारे बसे गांव व शहर बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। उत्तर प्रदेश का गाजीपुर जिला भी सबसे ज़्यादा बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में शामिल है। इसलिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 13 अगस्त को गाजीपुर जिले आए थे। जिले में जो सबसे ज़्यादा बाढ़ प्रभावित क्षेत्र था वहां का उन्होंने दौरा किया व बाढ़ राहत सामग्रियों का वितरण भी किया। तो आइए देखते हैं जिले में बाढ़ से स्थिति कहां कहां खराब है। वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें। ये दृश्य गाजीपुर शहर के स्टीमर घाट की है। आप देख सकते हैं सामने स्टीमर घाट है और बगल में रोड है। तो आप देख सकते हैं गंगा नदी का पानी रोड पर आ चुका है। रोड के दोनों साइड घर बने हुए हैं। गंगा नदी का जल स्तर और बढ़ा तो इन घरों में गंगा नदी का पानी जा सकता है। अब गाजीपुर जिले के कठवा मोड़ का दृश्य देखिए, यहाँ कितना भयावह दृश्य है। बेसो नदी का जल स्तर बढ़ने से गाजीपुर बलिया मार्ग पूरी तरह से ठप हो चुका है। आम दिनों पर यहाँ पर खेत हुआ करता था, लेकिन बेसो नदी का जल स्तर बढ़ने से यहाँ पर नाव का संचालन हो रहा है। जिन लोगों ने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग जरूर सब्सक्राइब कर लें। अब आपको नगर स्थित नवापुरा घाट की स्थिति दिखा रहा हूँ। आप देख लें गंगा नदी का जल स्तर बढ़ने से नवापुरा घाट पूरी तरह से डूब चुका है। श्रद्धालुओं के लिए बैठने के लिए बेंच लगाई थी, जो कि बाढ़ की वजह से बेंच भी डूब चुके हैं। नवापुरा घाट स्थित दुर्गा शिव साईं मंदिर की स्थिति दिखा रहा हूँ। आप देख सकते हैं गंगा नदी का जल स्तर बढ़ने से मंदिर के अंदर बाढ़ का पानी आ चुका है, जिससे यहाँ मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं को काफी तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है। अब आपको गाजीपुर जिले के मेदिनीपुर गांव का दृश्य दिखा रहे हैं। गंगा नदी का जल स्तर बढ़ने से बाढ़ का पानी मेदिनीपुर गांव में घुस चुका है। यहाँ के हरे भरे खेत गंगा नदी में आए बाढ़ की वजह से डूब चुके हैं। तटवर्ती इलाकों में कुछ घर बने हुए थे, गंगा नदी में आए बाढ़ की वजह से वो घर डूब चुके हैं। उन घरों के डूब जाने से सैकड़ों लोग बेघर हो चुके हैं। गंगा नदी में आए बाढ़ की वजह से मेदिनीपुर गांव में आपको खौफनाक मंजर दिख रहा होगा। अगर गंगा नदी का जल स्तर स्थिर नहीं हुआ तो ये गांव पूरी तरह से गंगा में समाहित हो जाएगा। अगर मैंने थोड़ी सी भी मेहनत की हो तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों अब मैं आपको गाजीपुर ज़िले के कलेक्टर घाट की स्थिति दिखाऊंगा। आप बड़ा सा नाला दाएं तरफ देख सकते हैं, गंगा नदी में आए बाढ़ की वजह से ये बड़ा सा नाला पानी से लबालब है। अगर गंगा नदी का जल स्तर इसी तरह बढ़ता रहा तो कलेक्टर घाट के आसपास जो घर हैं वो बाढ़ के चपेट में पूरी तरह से आ जाएंगे। बाढ़ की चपेट में रेल कम रोड ब्रिज भी आ गया है, जो कि गंगा नदी पर यह रेल कम रोड ब्रिज बनाया जा रहा था। इनके जितने भी सामान थे वो गंगा नदी में डूब चुके हैं या तो बह चुके हैं, जिससे RVNL को लाखों का नुकसान हुआ है। RVNL को लाखों का नुकसान होने के बाद भी इस ब्रिज पर कार्य जारी रखा है। गाजीपुर में आए भयावह बाढ़ की तस्वीरें देखने के लिए मेरे YouTube चैनल से जरूर जुड़ें। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।